people are cheering God. All people are praising God. All tongues are calling the one true God. सामर्थ का यश गाऊंगा। हम लोग यहाँ पे अभी अभी क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग गाने जा रहे हैं। हालेलुया, किसके लिए गाने जा रहे हैं? क्या आप मेरे लिए गाने जा रहे हैं या मैं आपके लिए गाने जा रहा हूँ या किसी के लिए आप गाने वाले हैं? बगल में हम परमेश्वर के लिए गाने वाले हैं। हालेलुया, इसमें लिखा परंतु मैं तेरे सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय में तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आमेन। हमें से कितने लोग संकट में फंसे हैं? कभी ना कभी, कोई भी नहीं, और जरूरी है कि हम उसका गुणानुवाद करें। आमेन। क्योंकि दाऊद ये लिख रहा है, और दाऊद क्यों लिख रहा है पता? हम कभी भी एग्जांपल देते हैं तो हम बोलते हैं दाऊद की तरह नाचो, दाऊद की तरह गाओ। हम क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है आपने? दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति और उसके उसके करुणा और उसकी आशीष और उसकी दया को एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में। आमेन। जब तक हम उसकी दया को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, हम आराधना नहीं कर सकते। मैं कितना बोल लूं, अरे उछलिए उछलिए उछलिए, अरे कोई उछलेगा ही नहीं। आराधना तब आती है हमारे हृदय से जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं कि वो कौन है और हमारे लिए क्या कर सकता है। आमेन। तो मैं आपके आपसे आज की इस दोपहर में पूछना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं परमेश्वर कौन है? बस चार लोग जानते हैं परमेश्वर कौन है, बाकी लोग नहीं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कौन है? Yes. और क्या आप जानते हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकता है? Yes. आमेन। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे इस समय, और मैं आपको नहीं बोलूंगा कि उछलिए उछलिए उछलिए। अगर परमेश्वर के एक्सपीरियंस को, परमेश्वर को आपने जाना है, तो आप मेरे बोलने से पहले ही उछलने लगेगा अभी। अगर परमेश्वर के भलाई को आपने अपने जीवन में देखा है, तो आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी उछलने के लिए, आप अपने मन कमरे में भी उछल सकते हैं। आमेन। तो आइए गीत गा के, कुछ गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे।
रहा है।